तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हॉटी फ्रेंड अभी हॉटी फ्रेंड गेमिंग। तो गाइस क्या हाल चाल है? तो आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। जी हाँ गाइस, तो पेयर टेस्ट के शुरू करते हैं। और मेरा वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत लेट आ रही है। जी हाँ गाइस, मैंने प्रॉमिस करा था हफ्ते में 2 वीडियो या 3 वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि तुम लोग को पता है तुम्हारा भाई जॉब कर रही है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। क्या ही बोले, कोशिश करूँगा जल्दी से, जितना भी हो ज़्यादा वीडियो अपलोड करो एक हफ्ते में, तो कोशिश करूंगा। तो बेटा मिस्ट के शुरू करते हैं। तो वैसे बहुत दिन हो चुके हैं हम वन ब्लॉक को नहीं खोदा, तो आज काम करते हैं 500 ब्लॉक वन ब्लॉक को तोड़ लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल वन ब्लॉक माइनिंग है वो हो जाएगा 5000। जी हाँ गाइस, 5000। तो 500 ब्लॉक तोड़ लेते हैं। तो उम्मीद तो मैं तोड़ के ही मिलता हूँ क्योंकि इसमें दिखाने वाले कोई चीज़ है ही नहीं। क्या ही बोले, तो उम्मीद तो मैं करके आता हूँ। मैंने माइनिंग कर रहा था तो क्रीपर आके 2 बार या 3 बार आया था, 3 बार आके पूरा एरिया डैमेज कर दिया था, आगे फूट जाता था। क्या ही बोले, तो इसके लिए चारों ट्रैप डोर से ऐसा कुछ बना दिया जैसे कि इसका अंदर ही रहे और उसको मैं मार दूंगा तो एरिया डैमेज नहीं पड़ेगा। बेसिकली इतने सिंपल से बात है। तो वैसे ये आखिरी ब्लॉक, ओके। तो गाइस फाइनली 5000 ब्लॉक माइनिंग हो चुका है। जी हाँ गाइस, मतलब टोटल 5000 ब्लॉक हो चुका है। जी हाँ गाइस, ओके। तो फिलहाल बारिश हो रही है और सुबह है, इसके लिए नाइट स्किप नहीं हो रहा, मतलब सो नहीं पा रहा। छोड़ो क्या ही बढ़ सकते, लेकिन आज मुझे लावा का बहुत ज़रूरत होगा क्योंकि आज हम बनाने वाला है एक गोल्ड फार्म, छोटा सा गोल्ड फार्म बनाऊंगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ और कितना सामान मुझे मिला है वो सारा दिखा देता हूँ। ओके नीचे आते हैं, अबे चले भी जाना क्या ही कर रहे हैं। ओके ओके, थोड़ा सा सामने और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, अबे जाना। ओके चला गया। ओके देखो इस टेस्ट में जो मेलन है उसके नीचे जो एक लाइन है वो पूरा सामान मिला है। मैंने ऐसे दिखाने के लिए मेलन को सता दिया। तो ये हॉपर में भी बहुत सारी सामान है, ये रहा, और इस चश्मे भी है। तो ये सारा सामान मिला है 500 ब्लॉक को माइनिंग करने के बाद। जी हाँ गाइस, तो सीधा जाते हैं अब मेन काम पर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, एक गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो आज हम इधर एक गोल्ड फार्म बनाऊंगा और गोल्ड फार्म से क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा गोल्ड मिलेगा। और गोल्ड से क्या करूँगा, मुझे चाहिए गोल्डन एप्पल। जी हाँ गाइस, और गोल्डन एप्पल से मुझे एंड फाइंड में बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए मैं पहली तैयारी करके रखता हूँ और मुझे वेदर को भी मारना है, तो इसके लिए मैं एक गोल्ड फॉर्म चाहिए। जी हाँ गाइस, तो गोल्ड फॉर्म के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, फिलहाल तो इधर एक ही सोर्स है, लावा। और लावा का मेरे पास अनलिमिटेड फार्म है। जी हाँ गाइस, तो उस फार्म से मैं ऑक्सीजन बना के लावा को ऑक्सीजन कन्वर्ट करके बहुत सारी ऑक्सीजन इकट्ठा कर लूँगा। करने के बाद मैं एक पोर्टल बनाऊँगा, तो ऐसा है कुछ। तो इस 2 मिनट मैं काम करता हूँ, मैं इस तरह से जो भी लावा जनरेट होता है उस लावा को ऑक्सीडन में कन्वर्ट करके फिर इसको मैं तोड़ के ले लेता हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 स्टैक ऑक्सीडन चाहिए, तो मुझे आई थिंक आधा घंटा तो लग जाएगा इसको बनाने में। तो 2 मिनट मैं इसको पूरा ऑक्सीडन इकट्ठा करके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं ऑक्सीजन इकट्ठा कर चुका हूँ। जी हाँ गाइस, तो अब सीधा फार्म को बनाते हैं। और फार्म में क्या होगा, मुझे 16x16 एक पोर्टल बनाया पड़ेगा। तो सीधा थोड़ी सी ऊपर जाते हैं और बनाते हैं 16x16 एक पोर्टल। जी हाँ गाइस, तो 2 मिनट मैं 16x16 एक पोर्टल बनाता हूँ। तो गाइस ये फाइनली रेडी है 16x16 पोर्टल। तो गाइस पोर्टल रेडी है, लेकिन आप आता है मेन मुद्दे पर। तो जो चीज़ बनाना ज़रूरी है जिसके बिना ये वर्क नहीं करेगा, और वो क्या है, वो ऐसा एक चीज़ है जिससे क्या होगा, पोर्टल एक्टिव होगा, इसके बाद डीएक्टिव होगा, इसके बाद दोबारा से एक्टिव होगा, इसके बाद दोबारा से डीएक्टिव होगा, ऐसा चलता रहेगा। और पिगलेन और हॉगलेन जो भी है वो स्पॉन होता रहेगा, और ऑटोमेटिक मारने वाला जो किलिंग टाइमर है वो भी बना दूंगा। तो इसके लिए क्या बना, छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और मुझे चाहिए डिस्पेंसर जो मैं पहले बना लिया क्योंकि मेरे पास है डिस्पेंसर। तो ऐसा एक लगाना पड़ेगा ऐसा करके, ओके। तो ऐसा एक फेस करके, ओके ऐसा एक फेस करके बनाना लगाना पड़ेगा, ऐसा 3 लगाना पड़ेगा। तो गलत लग गया, इसको मैं ले लेता हूँ हाथ में।
ओके आ चुके, और ऐसा करके और एक दो और आखिरी वाला, ओके एक गलत लग गया, इसको दोबारा तोड़ के लेना पड़ेगा। ओके अब मैं थोड़े से दूर जाता हूँ, ओके आप इधर से कोशिश कर तो लगाना। ओके मैं थोड़े से और दूर जाता हूँ और ऐसे लगा देता हूँ। ओके इसका फेस कुछ ऐसा होना चाहिए पीछे की ओर, मतलब ये लाल वाला हिस्सा तो इसे पीछे होना चाहिए, और आखिरी एक है, टोटल चार होगा तो तीन ऐसा देना है और आखिरी वालों को ऐसे सामने की ओर से ऐसा लगा देना, और लेड वाला जो एरिया है वो पीछे होना चाहिए, तो ऐसा कुछ बना लेना। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक जो भी है उसको ले लेना है और इसको पूरा ऐसे कवर कर देना है। ओके थोड़ी सी ग्लिच होगा तो इसको दिक्कत की बात नहीं है, तुमको पूरा कर लेना है, तो इसको कवर कर देता हूँ, ऐसा करके पूरे में कवर करना पड़ेगा। तो ओके लग जाओ, ओके मैं गिर गया क्या ही बोलो। ओके ऐसे ऊपर से लगा देता हूँ, पहले इसको मैं तो ले लेता हूँ थोड़ी बहुत कोबलस्टोन, और इसको तोड़ लेता हूँ। ओके ये भी तोड़ लेता हूँ, ओके ये भी ले लेता हूँ हाथ में, और इसको क्या करूँ, इसे इसे थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके उसका काम, ओके बाकी काम खत्म करता हूँ। ओके ये भी अभी ग्लिच हो रही है क्या ही करे। ओके लग जा अभी, लग भी जाना क्या ही कर रहे। ओके लग गया अब ये कोने पर भी और ये आखिरी वाला, ओके हो चुका है। अब इसको दो हाइट ऊपर करना पड़ेगा, तो ऐसा करके पूरे में आएगा जैसे मैं करूँ। अगर तुम्हें बनाना है तो तुम भी ऐसा करके बना सकती हो जी हरीश, तो ऐसा करके दो हाइट ऊपर करना पड़ेगा, इधर भी आएगा। तो मेरे पास कॉबल स्टोन कम हो चुका है, कोई बात नहीं, मेरे पास फार्म है उधर से ले के आ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो भी है उससे काम पूरा करता हूँ। तो मेरे पास वो है कॉबल स्टोन का स्लैब, तो मैं कॉबल स्टोन स्लैब ले लेता हूँ हाथ में। तो ये रहा कॉबल स्टोन स्लैब, इसको लेके इधर लगा देता हूँ एक, और आखिरी वाला जम करके एक होके ख़त्म। तो फाइनली ए बी कम हो चुका है, आप चाहिए मुझे ट्रैप डोर जी हाँ गाइस। तो ट्रैप डोर को कुछ ऐसा करके लगाना पड़ेगा, इधर इधर का से ऐसा करके, और इसको ओपन कर देना कुछ ऐसा। तो फाइनली थोड़ा सा काम खत्म हो चुका है, मतलब 50% काम खत्म हो चुका है जी हाँ गाइस। तो मुझे बहुत सारी मटेरियल चाहिए, मतलब बिल्डिंग मटेरियल, तो उसको मैं बाद में लूँगा। और मैं डिस्पेंसर चाहिए और लीवर चाहिए। डिस्पेंसर को इसको तोड़ के कोने वाले जो ब्लॉक है कॉबलस्टोन इसको तोड़ के और डिस्पेंसर लगा देना है। इसका फेस ऐसा होना चाहिए और इसका पीछे ऐसा एक लीवर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये ऑन ऑफ के लिए काम आएगा। ओके एक ग्लिच होगा तो तुमको दो तीन बार ऐसा क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ओके तो ये वर्क कर देगा, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक वाटर डाल देना चाहिए। और मुझे फिलहाल चाहिए कॉबलस्टोन। ओके ये वर्क करिए, देखो कुछ ऐसा होगा ये। ओके ये वर्क करिए, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो आप काम करो, तो मैं थोड़ी बहुत कॉबलस्टोन लेकर आता हूँ। तो बस मैं कॉबलस्टोन लेकर आ चुका हूँ जी हाँ। तो मैं ऊपर जाता हूँ और जाके ये ऊपर जो है वो उसको मैं पूरा कवर कर देना पड़ेगा ऐसे कॉबलस्टोन से, या जो भी बिल्डिंग मटेरियल है जो इससे कवर कर देना है, और लावा को एक कोने पर डाल देना है। ओके थोड़ा सा क्लिच होगा तुमको डाल देने कैसे भी करके। ओके जब ये हो जाएगा ऑटोमेटिक पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, और तुम जो लीवर है उसको ऑफ कर दोगे तो ये पोर्टल टूट जाएगा और ऑफ होगा, टूट जाएगा ऑफ होगा। तो ऐसा करके पूरा प्रोसेसिंग है वो चलता रहेगा, और पिगलिंग जो है वो ऑटोमेटिक स्पॉन होता रहेगा। और अब क्या करना है, नीचे एक किलिंग चैम्बर बनाना पड़ेगा, जैसे कि पिगलिन जो हॉगलिन जो भी इधर स्पॉन होगा उधर जाके ऑटोमेटिक मरेगा, तो किलिंग चैम्बर भी बनाना पड़ेगा। तो बस मुझे दो मिनट दो, मैं एक किलिंग चैम्बर बनाता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा गोल्ड फार्म रेडी है जी हाँ गाइस। तो इधर मैं लावा लावा ऑफ बकेट रख के गया था, तो ले के जाता हूँ कि इसका भी काम है, तो मैं दिखाता हूँ कि क्या काम है और क्या नहीं। तो मैं सारा जो भी है वो लेके उधर जाता हूँ मेरे फार्म की ओर, और इधर लावा दोबारा जनरेट हो जाएगा तो दोबारा से आके ले जाऊँगा। और लावा ऑफ बकेट क्या काम आएगा, एक फ्यूल का काम आएगा, और कैसे मैं दिखाता हूँ, तो जाके दिखाता हूँ। तो ये जो है पूरा वर्क कर रही है जी हाँ गाइस। तो ऐसा करके जब इकट्ठा हो रही है, और जितने भी लावा बकेट है तो इसको मैं इस चश्मे में डाल दूंगा, तो सारा ही डाल देता हूँ इधर। और एक क्या काम आएगा वो भी मैं बताता हूँ, तो सारा डाल देता हूँ। तो एक क्या करना पड़ेगा, इस चश्मे में रखना पड़ेगा। ओके एक चेस्ट इधर और एक इधर, इससे चला जाएगा क्या कहते हैं स्मेल्टर के पास, फर्नेस के अंदर, और फर्नेस के अंदर लावा का काम आएगा। तो मैं फिलहाल जो पिगलेन है उसको मैं मारता हूँ,
मारने के बाद मैं एक्स भी दिखाता हूँ कितना कटा हुआ और कितना लूट आता है वो भी दिखाता हूँ। कुछ फाइनल जितने भी हॉगी ने सारों को मैं ख़त्म कर दिया दिया कि मेरा एक्स भी लेवल भी 20 में आ चुके हैं और देखो सारा सामान इधर ही इकट्ठा हो चुका है और जितने भी शॉट है उसको मैं हाथ में ले लेता हूँ और हाथ में लेके क्या करना पड़ेगा इस वाली चेस्ट में डाल दूंगा। तो जो भी गोल्डन स्वॉर्ड है उसको मैं दो इधर चार इधर रख देता हूँ और उस चेस्ट में भी रखूँगा तो सेम ऐसे ही वर्क करेगा, मतलब उधर जाकर स्मेल्ट हो जाएगा। और देखो ये बहुत अच्छे से वर्क करिए और मैं इसको मैं कम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। तो क्या प्रोसेसिंग है मैं समझाता हूँ कुछ। तो ये वाले हॉगलिंग को जब मैं मारूंगा तो मुझे इधर गोल्ड ड्रॉप करेगा, गोल्ड का नगेट ड्रॉप करेगा और क्या होगा गोल्डन स्वॉर्ड ड्रॉप करेगा और गोल्डन स्वॉर्ड से तब इसको स्मेल्टिंग करूंगा तो क्या मेरे को दोबारा से गोल्ड नगेट मिलेगा। तो जो भी गोल्ड नगेट जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन गोल्ड स्वॉर्ड को मैं स्मेल्ट करके उसको मैं नगेट में कन्वर्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। तो ऐसा वाला सिस्टम है, तो दोनों फर्नेस है ऑटोमेटिक, तो कुछ ऐसा है मैं दिक्कत होनी चाहिए। देखो इधर आके जो शॉर्ट है वो स्मेल्ट होके नगेट में कन्वर्ट होके आ जाएगा और ऊपर जो है वो तो और रह गई। तो ये देखो ये भी इधर भी है बहुत सारी गोल्ड नगेट। आई थिंक तुम लोग बहुत कन्फ्यूज हो रही हो, लेकिन इधर कन्फ्यूज का कोई बात है ही नहीं दिया गया। सिंपल से एक बात है, मैं जब हॉगलिन को मारूंगा तो मुझे गोल्ड का इंगेट मिलेगा, सॉरी नगेट मिलेगा और गोल्डन स्वॉर्ड मिलेगा। तो गोल्डन नगेट से मैं गोल्डन इंगेट बना दूंगा जी हाँ गाइस। जो गोल्डन स्वॉर्ड है उसको मैं स्मेल्ट करके गोल्डन नगेट बन जाएगा, तो उस गोल्डन नगेट से दोबारा से क्या करेंगे गोल्ड का इंगेट बना जा सकता है। तो कुछ ऐसा है, इसको मैं फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकता था लेकिन मेरे पास इतना रिसोर्स है नहीं तो उसको मैं फुल्ली ऑटोमेटिक कर दूँ। तो इसको मैं थोड़ी बहुत मैनुअली करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक है और थोड़ी बहुत मैनुअली करना पड़ेगा। तो क्या मतलब इधर एक ग्लास लगा देता हूँ जैसे मुझे भी दिख पाए जो फर्नेस है उसका आग है या नहीं जी। तो गाइस फाइनली हमारा गोल्ड फार्म रेडी है जी है गाइस। आप मुझे अनलिमिटेड गोल्ड एप्पल मिलेगा जी है गाइस और गोल्ड एप्पल मुझे बहुत ज़रूरत होगा क्योंकि आने वाला है एंड फाइट वन ब्लॉक में जी है गाइस और आने वाला है विदर फाइट जी है गाइस। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ और मिलते हैं सी यू सून। आई होप यू लाइक इट, अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं सी यू सून।